हेलो फ्रेंड्स, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर का पेपर है MA MSc फाइनल ईयर 2023 ज्योग्राफी। यहाँ पर लिख रखा है 3 घंटे और अधिकतम अंक है 100। यहाँ पर लिख रखा है प्रत्येक खंड प्रत्येक खंड में से कम एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर प्रश्न हल करने हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। आपको एमए में 5 क्वेश्चन करने होते हैं। पहला प्रश्न है, भारत को वो आकृति प्रदेशों में विभक्त कीजिए तथा हिमालय प्रदेश का सविस्तार वर्णन कीजिए। इसका दूसरा क्वेश्चन है, उत्तरी भारत के अपुहा तंत्र के वितरण का एवं प्रकारों की सचित्र व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के मृदा प्रदेशों में विभक्त करते हुए दक्षिण के पठार के मृदा प्रदेशों का वर्णन करना है। चौथा क्वेश्चन है, इसमें भारत के कृषि प्रदेशों में विभक्त करके उनकी विस्तृत विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की वर्तमान एवं संभावित दशा का मूल्यांकन कीजिए। इन संसाधनों का विकास ऊर्जा संकट को हल करने में किस सीमा तक मदद कर सकता है। छठा क्वेश्चन है, भारत में मानव संसाधनों का एक भौगोलिक निबंध लिखना है। सी सेक्शन में से सातवां क्वेश्चन है, भारत को आर्थिक प्रदेशों में व्यक्त कीजिए तथा किसी एक प्रदेश का सविस्तार वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण, वितरण एवं व्यापार की विवेचना कीजिए। नौवां क्वेश्चन है, भारत में सड़क परिवहन जाल के विकास का लेखा प्रस्तुत कीजिए, विकास में इसकी भागीदारी का वर्णन भी कीजिए। इस तरह आप देखेंगे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का MA प्रीवियस फाइनल ईयर का पेपर है, जिसमें 9 क्वेश्चन आए हैं। इसमें से आपको 5 क्वेश्चन हल करने होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।